हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन गरिमा शास किचन। आज हम चॉकलेट के लड्डू बनाएंगे। राखी का फेस्टिवल है और बच्चों को गिफ्ट की, चॉकलेट की और मिठाइयों की डिमांड रहती है, तो इस राखी के फेस्टिवल को यादगार और खुशनुमा बनाने के लिए क्यों ना बच्चों के लिए और भाइयों के लिए ये स्पेशल घर में बनी चॉकलेट के वन डोज लड्डू बना के क्यों ना उन्हें सरप्राइज करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट के लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1/4 कप शुगर, 1/4 कप मिल्क, 2 टेबल स्पून देशी घी, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1/2 कप कोकोनट पाउडर। कोको पाउडर और मिल्क पाउडर आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर इजीली मिल जाएगा और ऑनलाइन परचेज के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। मैं यहाँ पे शुगर यूज कर रही हूँ क्योंकि शुगर से चॉकलेट लड्डू का जो टेस्ट आएगा वो एकदम क्रंची आएगा, जो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आप यदि क्रंची टेस्ट नहीं चाहते हैं तो उसकी जगह शुगर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को गैस पर रख देंगे और उसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे और उसे मेल्ट होने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब इस घी में 1/2 कप मिल्क पाउडर जो हमने लिया था उसे डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ध्यान रहे गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा भी अगर तेज किया तो मिल्क पाउडर हमारे यहाँ पर जल सकता है। इसको लगातार हिलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना आए। करीब 1 मिनट तक इसको हमने लो फ्लेम पर चला लिया है। अब इसमें हम 1/2 कप कोकोनट पाउडर डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर ही चलाते रहेंगे। यहाँ पर कोकोनट पाउडर का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चॉकलेट के साथ कोकोनट फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। आपको इस लड्डू का टेस्ट वैसा ही आएगा जैसी हम बाउंटी चॉकलेट खाते हैं। अब इसमें 1/4 कप दूध डालेंगे, वापस इसको लो फ्लेम पर ही मिक्स करेंगे और करीब 1 मिनट तक इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। चॉकलेट लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, इसको बहुत ही कम समय में रेडी किया जा सकता है। आप इन लड्डुओं को 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, जब आपका मन चाहे तब इनको खा सकते हैं। लेकिन ये लड्डू खाने में इतने टेस्टी हैं कि आप इन्हें स्टोर ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इसका डो बनना रेडी हो गया है। अब इसमें हम चीनी मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी से इसका क्रंची टेस्ट आएगा। चॉकलेट के लड्डू खाते टाइम जो चीनी हमने इसमें मिलाई थी उससे चॉकलेट के लड्डू का टेस्ट और बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं चीनी हमारी इसमें मिक्स हो गई है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पर ही चलाएंगे। साथ ही साथ इसमें 1 टेबल स्पून कोको पाउडर भी मिक्स करके अच्छे से चलाते रहेंगे। कोको पाउडर डालने से इसका चॉकलेटी फ्लेवर बन गया है। जो क्वांटिटी हम यहाँ बना रहे हैं उसके लिए 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ही सफिशियंट है। यदि आप ज्यादा कोको पाउडर डालेंगे तो इसका टेस्ट कड़वा हो सकता है और आपको यदि क्वांटिटी ज्यादा बनानी है तो उस हिसाब से ली गई चीजों को आप बढ़ा सकते हैं। करीब 1 मिनट हो गया है, इसको अच्छे से हमने चला लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा हाथ में लेकर देख लेते हैं कि डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है या नहीं। ये हाथ में नहीं चिपक रहा है तो डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसको बाउल में निकालने की तैयारी करते हैं। जिस बाउल में हमें इसको निकालना है उसको हम घी से सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद जो चॉकलेट का डो बनाया था उसको हम इसमें डाल देंगे। डो को हमने बाउल में निकाल लिया है। करीब 2 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, फिर इसके छोटे छोटे साइज के लड्डू बना लेंगे। करीब 2 मिनट पूरे हो गए हैं, डो भी हमारा परफेक्ट बन गया है। ये हाथ पे भी नहीं चिपक रहा है। अब इसके छोटे छोटे साइज के गोल लड्डू बना लेते हैं। ज्यादा बड़े लड्डू हमें नहीं बनाने हैं क्योंकि हम यहाँ पर वन डोज लड्डू बना रहे हैं जिसे एक बार में खाया जा सकता है। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए और सबके लिए ये साइज बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अब इसी तरीके से हम बाकी के सारे लड्डू भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारे एक ही साइज के चॉकलेट लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल शाइनी टेक्सचर आ रहा है इनका। जिस तरीके से गोल गोल कैडबरी के मार्केट में लड्डू आते हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से लग रहे हैं। इन लड्डुओं को देखकर टेस्ट करके कोई नहीं कह सकता कि ये लड्डू आपने घर में बनाए होंगे। वाव,
देखने में इतने सुंदर लग रहे हैं तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अब इनको हम गार्निश कर लेते हैं। गार्निश करने के लिए मैं यहाँ पर मस्कमेलन, जिसे खरबूजा कहते हैं, उनके बीज के अंदर का पार्ट यूज कर रही हूँ, जिसका सबसे ज्यादा यूज ठंडाई बनाने में किया जाता है। आप चाहें तो इसकी जगह चोको चिप्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं हो तो आप इन लड्डुओं को ऐसे भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चॉकलेट लड्डू हमारे यहाँ रेडी है और राखी का फेस्टिवल आने को है, तो फटाफट से ये चॉकलेट लड्डू बनाएं और इनको गिफ्ट करके अपने ब्रदर को भिजवाएं। और आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू आर वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। चॉकलेट लड्डू की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।